पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चोणों के लिए वोटों की गिनती जारी। शुरुआती रुझान आजाद उम्मीदवार अनुराग दलाल आम आदमी पार्टी की विंग CYSS के विचाले मुकाबला, शाम तक ऐलाने जाएंगे नतीजे। चंडीगढ़ के पंजाब भवन के किसान मुख्यमंत्री के विचाले मीटिंग जारी। खेती नीति सने तमाम किसानी मसलों के उत्ते हो रही चर्चा। चंडीगढ़ के भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के धरने का पंजवां दिन। पंजाब दे विच पेट्रोल 61 पैसे ते डीजल 92 पैसे होया महंगा। बिजली दरां भी वधियां, 7 किलोवाट तक के कनैक्शन से 3 रुपए प्रति यूनिट की सबसिडी खत्म। बिक्रम मजीठिया ने श्री अकाल तख्त साहब से दिता स्पष्टीकरण, बोले गुरु घर का हर हुक्म मेरे सिर मथे, असी गुनहगार गुरु बख्शण हाँ। लॉरेंस के इंटरव्यू के मामले हाईकोर्ट चोई सुनवाई। SIT मुखी बोले अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जांच कर लवेंगे मुकम्मल। जेलों के जैमर लगाने को लेकर भी हाईकोर्ट ने की तलख टिप्पणी। अमृतसर पुलिस ने गोल्डी बराड गैंग के 2 गुर्गे किए गिरफ्तार। दोवों तो 4 पिस्तल किए गए रिकवर। गोल्डी के इशारे के उत्ते धमका के मंगते सन रंगदारी। संगरूर के अध्यापक वाटर कैनन का इस्तेमाल, पुलिस के नाल हुई धक्का मुक्की। CM रिहायश वाल बदन की कर रहे सन कोशिश प्रदर्शनकारी टीचर। पंजाब सरकार ने 70 अध्यापकों को किया सम्मानित। हुशियारपुर के सूबा पदरी प्रोग्राम के CM मान ने 55 अध्यापकों को दिता स्टेट अवार्ड। 10 को यंग टीचर अवार्ड के नाल नवाजा। सत श्री अकाल, नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाजिर हाँ। फर्क तो पैंदा है, लेके जदों कैबिनेट की डिसीजन दे विच जिक्र पेट्रोल का होवे, डीजल का होवे, बिजली का होवे, फिर फर्क तो पैंदा है। आम लोगों नूं जिन्हां नूं रोजाना पेट्रोल डीजल खरीदना पैंदा या फिर बिजली का बिल भरवाउणा पैंदा। जी हाँ, पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई ते बैठक के नतीजों का असर सूबे की जनता यानी तुहाडी जेब के उत्ते पिया। यह असर इस करके पिया क्योंकि पेट्रोल डीजल ते बिजली नूं लैके कैबिनेट दे विच कुछ फैसले लए गए ने। कैबिनेट दे फैसले दे मुताबिक पेट्रोल दे उत्ते वैट 61 पैसे अते डीजल ते वैट 92 पैसे वधा दिता गया। पेट्रोल ते डीजल दे उत्ते टैक्स वधाउण दा फैसला कीता। डीजल दे अंदर 92 पैसे और पेट्रोल दे अंदर 61 पैसे वधाउण दा फैसला कीता गा। उधर चन्नी सरकार दे समय दित्ती गई सबसिडी नूं भी वापस लिया गया। पिछली सरकार ने बिजली दे 7 किलोवाट तक दे कनेक्शनां ते 3 रुपए प्रति यूनिट तक दी सबसिडी दित्ती सी, जिस नूं हुण खत्म कर दिता गया है। कि 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली पंजाब दे हरेक घर नूं जिहड़ी आ ओह मिलदी रहेगी, पर लेकिन जिन्हां दा लोड 7 किलोवाट तक आ उहनां दा जिहड़ा 3 रुपए यूनिट प्रति यूनिट जिहड़ा टैक्स सीगा ओह घटाउण दा फैसला पुरानी सरकार दा सीगा, ओह असी वापस लिया गा। सरकार दे इस फैसले दे नाल बेशक तुहाडी जेब दे उत्ते असर पवेगा, पर पंजाब सरकार दा खजाना माला माल जरूर होवेगा। 7 किलो वाले जो हमने विड्रा करे हैं उससे लगभग 1500 करोड़ से लेके 1800 करोड़ रुपए तक का, क्योंकि फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कम यूज हुआ कभी ज्यादा यूज हुआ। 1500 से लेके 1800 करोड़ रुपए जो बैट बनाने का फैसला करा है, इस पे डीजल पे लगभग हमें आया 392 करोड़ रुपए, 395 करोड़ रुपया, और जो ये पेट्रोल का है इस पे 150 करोड़। हालांकि हरपाल चीमा ने साफ किया कि 300 यूनिट फ्री वाली रियायत जारी रहेगी। तड़के भी दिता गया कि पंजाब सरकार ने बहुत सारिया रियायत सूबे के लोगों को दिखाई ने, तो मालिया बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। खैर, जो लोगों की जेब चो पैसे जाण ते दूजे पासे खजाने दे विच पैसे आउण, फिर फर्क तो पैंदा है आम लोगों। अगे वध्दिआं ते गल पंजाब यूनिवर्सिटी की करांगे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच स्टूडेंट यूनियन दीआं चोणां ते उसदे लई वोटां दी गिणती दा कम जारी। ते शुरुआती रुझानां दा असीं जिक्र करिए तां शुरुआती रुझानां दे विच आजाद उम्मीदवार अनुराग दलाल इस समें अगे चल रहे ने। अनुराग दलाल ते CYSS दे विचाले मुकाबला ABBP तीजे नंबर दे उत्ते, NSUI चौथे नंबर दे उत्ते इस समें चल रही है, और शाम तक थोड़ी देर तक तुसीं कह सकदे हो कि नतीजे आ जाणगे। पता लगेगा कि आखिर किसके हक के फैसला स्टूडेंट्स ने सुनाया है। PU के इलेक्शन डेफिनेटली तुसीं कह सकते हो खूब चर्चा का विषय रहिंदे ने। अनुराग दलाल ते CYSS दे विचाले इस समय मुकाबला है। अनुराग दलाल इंडिपेंडेंट कैंडीडेट के तौर के उत्ते चोण मैदान च उतरे स्टूडेंट इलेक्शन के, CYSS ये आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग है।
तो उन्होंने वालों भी अपने जोड़े नुमाइंदे उतारे गए सी वाई एस एस के दूजे पास जे इंडिपेंडेंट कैंडीडेट ने उन्होंने वाले मुकाबला इस समय नज़र आ रहा है। और जेकर असी जिक्र करिए अनुराग दलाल इंडिपेंडेंट ने इस समय लीड कर रहे हैं, प्रिंस चौधरी सी वाई एस एस के दूजे नंबर के उत्ते ने, ए बी वी पी ए बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, अर्पिता मलिक इस समय तीजे नंबर के उत्ते ने, राहुल नैन एन एस यू आई जी स्टूडेंट विंग है इसदे, राहुल नैन ये चौथे नंबर के उत्ते ने, यानी कि सीधा मुकाबला अनुराग दलाल और प्रिंस चौधरी के विचाले नज़र आ रहा है। उधर अकाली दल बीजेपी सरकार दे विच मंत्री रहे बिक्रम मजिठिया श्री अकाल तख्त साहब के हुक्मों के मुताबिक नतमस्तक होने के लिए पहुंचे तो उन्होंने वालों अपना स्पष्टीकरण सौंपिया। जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह नूं लिखती स्पष्टीकरण देण तों बाद मजिठिया ने कहा कि गुरु घर दा है हुक्म सिर मथे, पंच सिंह साहबाना ने जो हुक्म किया सी उसके तहत यह स्पष्टीकरण मैं देण पहुंचिया सी। दास अज श्री अकाल तख्त साहब पेश हो के आप दी जिहड़ी फरियाद है बेनती है अरजोई है धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे चरणा च अरदास दे रूप च भी जिनी सोची है ते लिखती तौर ते भी दास अज हाजिर होके दे के चलिया। दस दिए कि सुखबीर सिंह बादल नूं तनखाइया ऐलानण दे नाल ही जथेदार ने अकाली सरकार दे विच रहे सिख मंत्रियों नूं अकाल तख्त साहब दे उत्ते तलब किया सी। हुक्मां दे तहत सुखबीर सिंह बादल, दलजीत सिंह चीमा, गुलजार सिंह रणीके अते शरणजीत सिंह ढिल्लों सने कई साबका मंत्री पहले ही अपना स्पष्टीकरण दे चुके ने। अगली खबर का रुख करते हैं, पुणे दे विच गणपति उत्सव के लिए श्री हरिमंदर साहब की नकल वाला जो पंडाल बनाया गया उसकी उसारी का एस जी पी सी ने सख्त नोटिस लिया। इसनों सिख भावनावां भड़काउण की कार्रवाई करार दिता। एस जी पी सी ने कहा कि दरबार साहब की नकल वाला कुछ भी बनाना सिख रवायतां परंपरावां अते सिद्धांतां दे खिलाफ है। उन्होंने इस पूरे मामले च जल्द श्री अकाल तख्त साहब तो कार्रवाई करन दी मंग भी कीती है। प्रधान साहब ने इस गल का नोट लिया, श्रोमणी कमेटी ने नोट लिया, जे किसी गुरद्वारा कमेटी च उस विच शामिल है तो यह भी कहा गया कि उस गल लई अकाल तख्त साहब को पत्र लिखा जाएगा। सो असी अपील कर रहे हैं कि इस तरह का जरा भी कोई भी कार्यवाही हुई है जिन्हों लोगों ने ये करके शमूलियत की है ये मनाने की कोशिश की है वो तुरंत इस गल अपना स्पष्ट पक्ष कर अकाल तख्त साहब से। दस दिए कि पुणे के कैंपेरिया च गुरद्वारा गुरु नानक दरबार कमेटी की भूमिका सवालों के घेरे में है। हालांकि श्रोमणी कमेटी के वालों पूरे मामले च एक टीम नूं पड़ताल दे लई पुणे भेजन की गल भी कही जा रही है। हालांकि दूजे पासे पुणे दे विच जिन्हां दे वालों ये मॉडल तैयार करवाया जा रहा है उन्हां दे वालों स्पष्टीकरण आ गया तो वह कह रहे हैं कि दरबार साहब की नकल वाला नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं तो खबर संगरूर दे विच अध्यापकों के प्रदर्शन के नाल जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री की रिहायश अगे अध्यापकों ने प्रदर्शन किया तो इस विचाले जो सीएम की रिहायश वाले पासे अगे वधण की कोशिश कंप्यूटर टीचर्स कर रहे सन तो फिर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस ने पानी दी बुछाड़ा का इस्तेमाल किया उस दी कुछ तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। कंप्यूटर टीचर अपनी मंगां नूं लैके अध्यापक डे के मौके के उत्ते टीचर्स डे के मौके के उत्ते संगरूर के विच पहुंचे जिथे उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए अगे वधण दी कोशिश कर रहे सन। सीएम रिहायश वाले पासे जाण दी कोशिश कर रहे सन तो इस विचाले पुलिस ने पहले ही बैरीकेड किए हुए सन रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों रोकया गया। जो उन्होंने होर अगे वधण दी कोशिश की तो फिर पानी दी बुछाड़ा का इस्तेमाल कर दिता गया। संगरूर सीएम दे घर दे अगे मौजूद आ ते कंप्यूटर यूनियन अध्यापक यूनियन के वालों प्रदर्शन किया जा रहा टीचर डे के उपर से वाटर कैनन की वरतों की गई है। तस्वीर दिखावे सामने तुम वाटर कैनन देख रहे हो तो वाटर कैनन की जबरदस्त तरीके जी वरतों अध्यापकों के उपर की गई गलबात करते हैं। भाई जी की नाम है तुहाडा? जसविंदर सिंह। किवें देख रहे हो हालात किवें बने हुए वाटर कैनन वरत्या गया? हाँ जी हाँ जी लेडीज उत्ते वाटर कैनन वरत्या गया लेडीज़ के उत्ते सुटिया गया पानी इस तरह की गर्मी के भी अध्यापक दिवस वाले दिन हुण अगे वधदे हां। अध्यापक दिवस दा जिक्र असीं कर रहे हां अध्यापक दिवस दे मौके दे उत्ते हुशियारपुर दे विच इक सूबा पदरी समागम करवाया गया ते सीएम मान दे वल्लों अध्यापकां दा सन्मान किया गया। 77 अध्यापकां नूं स्टेट अवार्ड्स दिते गए ने।
77 अध्यापकों को अवार्ड दिए गए हैं, जिन्हों के 55 स्टेट अवार्ड दिए गए हैं, 10 अध्यापकों यंग टीचर अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया। पहला अध्यापकों तो पढ़ाई तो इलावा हर ड्यूटी ली जाती थी, ये सीएम का तर्क है। मैं मुख्यमंत्री ने कहा कि हुण अध्यापक सिर्फ पढ़ाई वाले पासे ध्यान दे रहे हैं और अगे भी इस तरीके ही जारी रहेगी। अध्यापक की सिरदर्दी सिर्फ पढ़ाई की होनी चाहिए है। स्कूल तो बाद स्कूलों के केयरटेकर लगाए गए हैं। तो सीएम ने कहा कि इस बार 20 लाख लोग अध्यापक मापे मिलनी दे विच पहुंचे, यानी पेरेंट्स टीचर मिलनी दे विच पहुंचे। लोगों के टैक्स तो आता रहा पर रास्ते च लीक होता रहा, खजाने तक तो पहुंचती रुपया भी नहीं सी, तो खजाना खाली होगा फिर और क्या होगा। असी आके की किया, असी कहड़ा कोई नोटा दिया मशीन ला लिया, असी लीकेज बंद करती, असी भ्रिष्टाचारियों से नकेल कसी, असी जिहड़ा टैक्स इधर उधर लीक हुंदा सी उहते कंट्रोल कीता, GST जिहड़ी लीक हुंदी सी जां चोरी हुंदी सी उह काबू कीती। दिल्ली दे विच मनीष सिसोदिया जी ने कम करता सी आउण सार पहले ही, पंजाब दे विच असी इह लागू कर देणा, बस कुछ अदबजद हो गया। हर काम वास्ते टीचर की ड्यूटी लगती सी, वोटा गिननी है चलो टीचर, वोटा पवानी है चलो टीचर, आ हो करोना वेले बार्डर से ड्यूटी लाती, चलो जी मास्टर की ड्यूटी ला दो, कौन कौन आते हैं, कौन करोना वाला कौन, मास्टर को की पता, डॉक्टर की ड्यूटी लाओ, उसे मतलब पढ़ा। 77 अध्यापकों को सम्मानित किया गया टीचर्स डे के मौके के उत्ते। द स्टेट अवार्ड हासिल करने वालों के नाभा की अध्यापका परमजीत कौर का नाम भी शामिल है। परमजीत कौर नाभा ब्लॉक के पिंड थूही के सरकारी हाई स्कूल की मुख्य अध्यापका ने, जिन्होंने इस बार टीचर्स डे के मौके से स्टेट अवार्ड के सम्मानित किया गया। इस प्राप्ति से जिथे प्रिंसीपल के साथियों ने मिठाई खुवा के मूँह मिठा करवाया तो परमजीत कौर भी बेहद खुश ने। जिहड़े बच्चे आते काम करते हैं, साढ़े काम करने का तरीका अलग है, असं बच्चों की जी एजुकेशन का ध्यान ए नहीं 10वीं तक रखते, पर जोड़े बच्चे 9वीं चले जाते हैं 10वीं जाते हैं या उस बाद उचेरी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने पूरी फीस का प्रबंध, वर्दी खाना वगैरह का प्रबंध स्टाफ करते हैं। तो इस तरह बख बख अहद्या बच्चे विराजमान ने, तो साडा मिशन एजुकेशन है। परमजीत कौर पटियाला जिले के इकले टीचर ने जिन्हों का नाम स्टेट अवार्ड के लिए चुनिया गया है। परमजीत कौर ने कई स्कूलों की कायाकल्प करने के अहम भूमिका निभाई, तो बच्चों भी उचेरी सिक्ख्या के लिए सही राह दिखाया। परमजीत का परिवार भी बेहद खुश है। सारे परिवार की खुशी हुई, बहुत चंगा लग्या भी इन्होंने मेहनत की है, बच्चों की हेल्प की है, बच्चों की हेल्प भी हमेशा अगे रहते हैं। चलो इन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने लैवल से बहुत मेहनत की है, असं तो घरों मतलब जो सपोर्ट है वो सपोर्ट दे सकते हैं। जो बच्चों सही राह दिखाने के लिए अध्यापक सम्मानित किया जाए फिर फर्क तो पैदा है। अगली खबर का रुख करते हैं, तो खबर रमनीत बिट्टू के जुड़ी हुई। लुधियाना तो हार के केंद्र के मंत्री बनने वाले रमनीत बिट्टू राजस्थान के रस्ते तो राज्यसभा पहुंच चुके। जो राज्यसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, बिट्टू ने राज्यसभा मैंबर के तौर के पंजाबी च हल्फ लिया। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा राजस्थान एक धरती ही ऐसी है, वहां के लोग ऐसे हैं, वो खुद प्यार हर चीज उनका माना हुआ है। राजस्थान से ये लोग कितना जुड़े हुए हैं, और जो भी मेरे पास महकमा है, मैंने पहले भी कहा है, चाहे वो रेलवे का हो चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, कोई कमी राजस्थान में नहीं छोड़ी जाएगी। काबले गौर है कि लोकसभा चुनाव तो ठीक पहला बिट्टू कांग्रेस छड़ बीजेपी शामिल हुए, तो बीजेपी ने बिट्टू नू लुधियाना तो ही टिकट दिती, पर बिट्टू राजा बड़िंग तो चुनाव हार गए। हारन के बावजूद बीजेपी ने बिट्टू नू केंद्र दे विच राज मंत्री बना दिता, ते मंत्री बनने तो बाद बिट्टू का राज्यसभा जाना तय हो गया सी।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ क्योंकि एनडीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह ने लिबरल पार्टी तो अपना समर्थन वापस ले लिया है। पिछले ढाई साल तो ट्रूडो सरकार एनडीपी के समर्थन के नाल ही सत्ता से काबिज रही है। जगमीत सिंह ने एक वीडियो जारी करके ट्रूडो ते कैनेडियंस की लड़ाई लड़न लई कमजोर ते स्वार्थी होने का इल्जाम लगाया। I notified the Prime Minister that I've ripped up the supply and confidence agreement. Canadians are fighting a battle for the future of the middle class. Justin Trudeau has proven again and again he will always cave to corporate greed. The Liberals have let people down. They don't deserve another chance. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 156 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 170 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੋਲ 180 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਪੀ ਦਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 46 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਆਈ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਰਨਿੰਗ ਇਟ ਅਪ। ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਏਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ। ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਆਸ ਨੇ ਕਿ ਏਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਮ ਹਾਟਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਸਯੂਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਰ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਟਿਮ ਹਾਟਨਸ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵੇ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਇਟੂਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੈਸਟਵੁੱਡ ਮਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ 25 ਸਾਲਾ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਖਬਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੀਰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੈਦ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਸਣੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
मुकदमा दर्ज किया गया तो डेड बॉडी जी है वीरबल सिंह की वो जी है नहर के मिल चुकी है। बहरहाल परिवार के वलों पुलिस तो मुलजमान को फौरन गिरफ्तार करके इंसाफ की मंग की जा रही है। हुण अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली के नाल लगते गाजियाबाद तो खबर है। गाजियाबाद के विच तहसीलदार की सरकारी गड्डी का पुलिस ने 25,000 रुपए का चलान कर दिता। वो वजह की है, वो वजह है यह वीडियो। इस वीडियो के विच कोई रील बनाई गई, स्टंटबाजी हुई तो उस तो बाद फिर चलान। यह चलान इस करके कटिया गया क्योंकि लाल बत्ती लगी सरकारी गड्डी नाल ट्रैफिक नियमों दी धज्जियां उड़ाइया जा रही थी। शरेआम हाईवे ते दो नौजवान तहसीलदार की सरकारी गड्डी तो स्टंटबाजी कर रहे सन। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टिकर वाली बुलैरो गड्डी का हूटर बजाते हुए एक नौजवान गड्डी की ताकी से ही लट गया, जो कि अगे चल रही एक होर गड्डी च बैठा शख्स रील बना रहा है। सोशल मीडिया से जो वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने एक्शन लेंदे हुए गड्डी नू ट्रेस कर लिया और दोवें नौजवानों नू हिरासत विच ले लिया, जिन्हें विचों एक नाबालिग है। वर्तमान में ये गाजियाबाद जीडीए से संबद्ध चल रही है, वह इसका प्रयोग जीडीए के नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है। इस गाड़ी का तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का चालान किया गया है। वह जो दो अभियुक्त इसमें जो है गाड़ी में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। वह आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो अफसरों की सरकारी गड्डी की ही रील बनाने के लिए दुर्वरतों होने लग जाए फिर फर्क तो पैंदा है। खैर रील की वजह के नाल कई लोगों के उत्ते एक्शन होंदा होया नजर आया, खास तौर पर नौजवानों के उत्ते। तो सब दे विच आले सवाल यही है कि गड्डी इन्हां दे कोल पहुँच भी किवें गई, कि वाकई ही जिन्हां दे नाम के उत्ते गड्डी है सरकारी गड्डी जिन्हां नूं बकायदा दित्ती गई है उन्हां दे उत्ते एक्शन होवेगा जां नहीं, कि सिर्फ गड्डी का चलान कट के ही गल बन गई। अगली खबर का रुख करते हैं। गुरदासपुर तो खबर है। गुरदासपुर के पिंड रोड़ा वाली दे विच पावन सरूप लैके जाण तों इनकार करन ते विवाद गरमाया होया। कि हुण इस पूरे मामले च ग्रंथी ते गुरद्वारा कमेटी का स्पष्टीकरण सामने आया, जिन्होंने पावन स्वरूप ना देने दे मसले ते सफाई दिंदिआं कहा कि दूजा धड़ा बाबा वटभाग सिंह दी थां दे उत्ते स्वरूप लैके जाना चाहुंदा सी, पर अकाल तख्त साहब ने इस थां दे लई स्वरूप देण तों इनकार कीता होया है। मुड़ के मारा स्वरूप अहीं नहीं दित्ता, जे हुण नहीं दित्ता ते मुड़ के इन्हां ने साडे ते इत्थे भल्लूबूजी भी कीती आ थोड़ी बहुती, ते नाले इन्हां ने पुलिस भी लैंदी आ, पुलिस लिआ के भी सानूं उन्हां नूं मतलब गलाफाचा करवाईआं ने। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਟਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। दस दिए कि बीते दिन पिंड के रहने वाले एक बिरादरी के कुछ लोग गुरद्वारा साहब तो अखंड पाठ के लिए पावन स्वरूप लैन गए सन, पर गुरद्वारे की कमेटी ने उन्होंने पावन स्वरूप देने तो इनकार कर दिता, जिस तो बाद दोवें धिरां दे विचाले तकरार हो गई, पर किसी तरह पुलिस ने दोवें धिरां नूं शांत करवा दिता सी। हुण अगे वधदिआं ते खबर राजस्थान तो। राजस्थान की सुकड़ी नदी के तेज वहाव दे विच अचानक बाइक सवार रुड़ गए और उन्हां दीआं कुछ तस्वीरां भी सामने आई। मोटरसाइकिल ते भूआ ते भतीजा सवार सन, जिन्हां नूं पानी दे विच डुबदिआं देख उत्थे अंतिम संस्कार दे लई आए लोकां ने उन्हां दी मदद कीती। लोकां ने तौलिए दी रस्सी बना के तकरीबन 20 मिनट दी मशक्कत तों बाद दोवां नूं सुरक्षित बाहर कढ लिया। दस दईए कि भारी मीह कारण पाली दी सुकड़ी नदी ओवरफ्लो चल रही है, जिस दे कारण नदी दा पानी हाईवे तक भी पहुंच गया। इस हादसे तों बाद पुलिस ने नदी वल जाण वाले रस्ते नूं बंद कर दिता अते लोकां नूं वी नदी नालिआं तों दूर रहण दी अपील कीती है। लगातार प्रशासन के वालों आम तौर पर अपील की जाती है जो पानी का तेज़ वहाव होवे तो नेड़े ना जाओ, पर लोग फिर भी नहीं गल मनते और चले जाते। ये सिर्फ राजस्थान की एक थां तो खबर नहीं है, वक् वक् थावों तो इस तरीके दी तस्वीर सामने आउंदियां ने। फर्क तो पैंदे दे विच वेला हो चलिया तुहाडे तों इजाजत लैण दा। रात 9 बजे मुड़ तो मुलाकात होगी। फिलहाल दे लई मैनूं इजाजत दिओ, तुसीं जुड़े रहो न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल। धन्यवाद।